नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 52,055 की और फ्राइडे के सेशन में बैंक निफ्टी ने 148 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज किया था और बैंक निफ्टी लगभग लगभग जो लो इसने गुरुवार के दिन लगाया था उसी लो के आसपास से घूमा और उसी लो के आसपास से जाके इसने 52,022 के पास में इसने क्लोजिंग दिया। जैसा कि पहले से ही पता है हम लोग को कि ये हमारे लिए एक बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी में। जब तक बैंक निफ्टी 52,555 ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के, क्योंकि इस जगह के पास हम कंटिन्यू 3 से 4 बार जाके हम घूम चुके हैं वहाँ से, तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। जब तक इस इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज नहीं करेगा तब तक बैंक निफ्टी में नया ब्रेकआउट नहीं आएगा। बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट कहाँ पे होगा? 52,555। तो ऊपर जाते वक्त यहाँ से अगर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा और ये हमारे लिए स्ट्रांग रेजिस्टेंस है जिसको हम पिछले 3-4 बार फेस कर चुके हैं। जब इसके ऊपर निकलेगा तो एक ज़बरदस्त मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकता है और उस कंडीशन में क्या होगा, जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी पे निकल के आएगा वो रेजिस्टेंस होगा 53,888 का। यानी इसके बाद, इस ब्रेकआउट के बाद में काफ़ी अच्छी जगह है ऊपर जाने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 53,888 के पास में। नया रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा इस लेवल के ऊपर। जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे, जो ऑल टाइम हाई हमने बैंक निफ्टी का लगाया है वो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। डेली चार्ट पे ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि हम 4 दिनों से 5 दिनों से इस लेवल के आसपास आके क्लोज कर रहे हैं लेकिन इस लेवल को हम ब्रेक नहीं कर रहे। तो इस लेवल के नीचे की क्लोजिंग, ध्यान रखिएगा, इस लेवल के नीचे की क्लोजिंग हमारे लिए थोड़ा सा डाउन साइड ओपन करेगी। और फिर हम कहाँ तक आ सकते हैं, जो हमने महाराष्ट्र इलेक्शन का रिजल्ट में ये हमने गैप डाउन, जो हमने गैप अप दिया था, इस गैप को फिल करने के लिए फिर निफ्टी, इस बैंक निफ्टी इस लेवल को टेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो यहाँ पे आपकी नज़र होनी चाहिए, ये गैप यहाँ पे बचा हुआ है। तो अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन करता है, इसके नीचे क्लोज करता है, तो फिर चांसेस पूरी तरह से हैं कि हम फिर इस सपोर्ट लेवल, यानी फिर जो 51,222 होगा वो हमारे लिए नया सपोर्ट होगा बैंक निफ्टी के लिए। अभी फ़िलहाल सपोर्ट हमारे लिए ये लो है जो कि है यहाँ पे 51,888 के नीचे की क्लोजिंग। 51,888 की नीचे की क्लोजिंग क्या करेगी, नया रिस्क ओपन करेगी जो कि फिर नए सपोर्ट लेवल के पास लेके जाएगी जो कि है 51,222। तो यहाँ पे आपकी नज़र होनी चाहिए, लेकिन ये बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। इस लेवल के ऊपर निकल के क्लोज करेगा तो निफ्टी में, बैंक निफ्टी में एक मूवमेंट आ सकता है जो कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस के आसपास लेके जा सकता है। उसके लिए आपको ना बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट है ना उसके चार्ट बिल्कुल नजर बना के रखनी चाहिए। जो हाई वेटेज बैंक है वो भी अपने ऑल टाइम रेजिस्टेंस के आसपास ही कंटिन्यू ट्रेड कर रहा है, तो वहां पर भी देखिएगा। जो बैंक निफ्टी के कंपोनेंट है ना, जो 6-7 मेजर है उस पर फोकस कीजिए, उसके चार्ट को रीड कीजिए, उसके चार्ट को समझिए, और उस चार्ट पे किसी पे भी बड़ा ब्रेकआउट आता है तो समझिएगा बैंक निफ्टी इस ब्रेकआउट को अगर क्रॉस करेगा तो बहुत तेजी से ऊपर की साइड में जा सकता है। नीचे की साइड में यह रिस्क ओपन होगी इस लेवल के नीचे, तो यहां पर आपकी नजर होनी चाहिए डेली चार्ट पे। पहले इसके और इसके बीच में ट्रेड रहा तो फिर आपके ट्रेड को ये ट्रैप कर सकता है बैंक निफ्टी। या तो ब्रेकआउट होने दीजिए या ब्रेकडाउन होने दीजिए, तभी आपको एक क्लियर कट मूवमेंट बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगी। अब चलिए हम 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि मंडे के सेशन में बैंक निफ्टी किस तरह से मूव कर सकता है। दोस्तों, मैंने बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगा लिया और 15 मिनट के चार्ट पे अगर ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो लेवल है ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो इसी लेवल के आसपास आके हमने क्लोज किया है, क्योंकि यही लेवल पहले हमारे लिए सपोर्ट था जब महाराष्ट्र इलेक्शन का रिजल्ट आया था। उसके बाद हम गैप अप ओपन हुए, गैप अप होने के बाद में हमने इस लेवल को लगभग लगभग एवरी डे हमने टेस्ट किया, हर दिन इस लेवल को हमने टेस्ट किया और फाइनली जब इस लेवल को हमने क्रॉस किया नीचे की साइड में तो हमें नीचे की साइड में थोड़ी सी मूवमेंट मिली। लेकिन नीचे की साइड में ध्यान रखिएगा, ये हमारे लिए स्ट्रांग सपोर्ट यहाँ पे है क्लोजिंग बेसिस पे। अगर 15 मिनट के चार्ट पे हम इसके नीचे जाते हैं, क्लोजिंग बेसिस पे सपोर्ट क्या है डेली चार्ट पे, 51,888 के नीचे की क्लोजिंग, ठीक है। 15 मिनट के चार्ट पे क्या है, 15 मिनट के चार्ट पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है वो है 51,777। ये 15 मिनट के चार्ट पे है और ये क्लोजिंग बेसिस पे डेली चार्ट पे है। तो ये 15 मिनट के चार्ट पे हमारे लिए ये सपोर्ट है। रेजिस्टेंस ऊपर में कहाँ है, रेजिस्टेंस जो पहले हमारे लिए सपोर्ट था यही हमारे लिए अब रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस पे ध्यान रखिएगा, ये लेवल जो होगा ये हमारे लिए रेजिस्टेंस होगा बैंक निफ्टी में 52,222। ये हमारे लिए 15 मिनट के चार्ट पे रेजिस्टेंस है। अगर 15 मिनट के चार्ट पे हम इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करते हैं तो हम पहुंचेंगे 52,444, क्योंकि फिर हमारे लिए रेजिस्टेंस का लेवल ये वाला लेवल रेजिस्टेंस लेवल है। क्योंकि इस लेवल के पास जब भी हम जाते हैं थोड़ी सी 15 मिनट के चार्ट पे आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है। इस लेवल को हम निकालते हैं तो फिर हमारे लिए ये वाला इंट्राडे चार्ट में 52,666 ये रेजिस्टेंस है। तो ध्यान रखिएगा,
रेजिस्टेंस कहाँ पे है, सपोर्ट कहाँ पे, ये हमेशा ध्यान में रखिए, जिससे ट्रेडिंग थोड़ी सी आसान हो जाती है। तो यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी थोड़ा सा टाइम बिताता है, इसी जोन में टाइम बिताता है, मंडे के सत्र में टाइम बिताने के बाद इस लेवल को अगर निकालता है तो फिर रेजिस्टेंस आपको 444 के आसपास मिलेगा। ये हमारे लिए 50 मिनट के चार्ट पे रेजिस्टेंस है, वो है लगभग 222। अगर इस जगह पे काफ़ी टाइम बिताता, मान लीजिए इस जगह पे ये आके एक डेढ़ घंटे टाइम बिताने के बाद जो भी डे हाई बनाया होगा मंडे के सेशन में, उस डे हाई को क्रॉस करेगा तो फिर एक मूवमेंट शॉर्ट कवरिंग मूव आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिन लोगों ने भी फ्राइडे के सेशन में बैंक निफ्टी को शॉर्ट किया होगा उनके यहाँ पे एसएल कटेंगे और मार्केट यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर की साइड में मूव कर सकता है। ये हमारे लिए सपोर्ट है। मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे हम ओपन होकर यहाँ पे टाइम बिताते हैं तो यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या बैंक निफ्टी इस लेवल को, इस सपोर्ट लेवल को नीचे की साइड में क्रॉस करता है, क्योंकि ये हमारे लिए 50 मिनट के चार्ट पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर इस सपोर्ट को क्रॉस करता है तो फिर उसके बाद 51,666 नीचे की साइड में सपोर्ट है और उसके बाद 51,555, ये 50 मिनट के चार्ट पे नीचे की साइड में सपोर्ट है। यहाँ पे बहुत बड़ा गैप अप, गैप डाउन ओपन होने के बाद, जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ, आप अपनी कैंडल स्टिक को देखिए, वहाँ पे मार्केट को कंटिन्यू रेंज बनाने दीजिए। रेंज बनाने के बाद में जिस साइड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है उस साइड में मूवमेंट हो सकती है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।